पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे में पुए, नारियल और जलेबी का भोग भैरव बाबा को लगाने से सारे दुख दर्द मिनटों में समाप्त हो जाते हैं। भैरव की कृपा से सभी की मन की इच्छा पूरी हो जाती है। दरअसल यहां भैरव बाबा की स्थापना राजस्थान से जागृत भैरव बाबा को लाकर की गई है। यहां आए भक्त बताते हैं कि जिस दिन से बाबा को यहां स्थापित किया गया है उसी दिन से भक्तों की मन की मुराद पूरी हो जाती है। यहां कितने भी पुराने लाइलाज मरीज आए, आते ही उन्हें आराम मिलता है और कुछ दिन बाद सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ मौजूद एक भक्त पूनम ने बताया कि उनका 2011 से टेट क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाबा से जुड़ी उसके बाद ही उनका टेट पास हो गया और वो शिक्षा मित्र भी बन गई। तभी से पूनम अपने परिवार के साथ भैरव बाबा की सेवा में लगी रहती है। पूनम का कहना है कि उन्हें डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब ये जीवित ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगी, लेकिन आज उन्हें बिना दवाई लिए 3 महीने बीत चुके हैं, वो स्वस्थ भी है और चल भी रही है। तो वहीं बाबा के स्थल की देखभाल करने वाले भक्त बताते हैं कि गुरुजी की कृपा से ही बाबा भैरव की स्थापना हम यहां कर पाए हैं, क्योंकि हर बुधवार को गुरुजी यहां स्वयं आते हैं और सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यहां हो क्या रहा है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये है भैरव बाबा, जिन्हें राजस्थान से जागृत रूप में लाकर स्थापित किया गया है। पूनम नाम है मेरा, पूनम तोमर। अच्छा, कब से जुड़े हैं आप यहाँ? यहाँ मुझे 2-3 महीने हो गए यहाँ से जुड़े हुए, और उस समय मैं बहुत परेशान थी। शारीरिक बीमारियाँ मेरी बहुत सारी बन गई थी, स्वास्थ्य से बेकार थी, कोई भी दवाई मुझे आराम नहीं कर रही थी। डॉक्टरों ने भी ना इलाज कर दिया था, क्योंकि मेडिसिन काफ़ी दिनों से खा रही थी, कोई भी मेडिसिन मेरी बॉडी में काम नहीं कर रहा था। जब मैं बाबा के पास आई, बाबा की कृपा हुई, तब जाके मेडिसिन ने मेरे शरीर में बॉडी में काम किया, और अब इस समय मैं एक भी टैबलेट नहीं खा रही हूँ, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, बाबा की कृपा हुई है मेरे। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। अच्छा, आप ही रहते हैं? आप भी रहते हैं, हम ही सेवा करते हैं। बताइए कब से जुड़े हैं यहाँ इनसे? श्याम बाबा का 3 महीने हो गए। क्या विशेषता है यहाँ? विशेषता भक्तों का अच्छा काम होना, मनोकामना पूर्ण होनी। कितने भक्त आते हैं यहाँ? काफी भक्त आते हैं, और सभी का भला होता है। क्या विशेषताएं हैं यहाँ पर? विशेषताएं, जो सेवा करता है उसे फल मिलता है पावक। क्या सोचकर यहाँ पर इनको स्थापित किया गया? अपने भक्ति के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपने भगवान की सेवा करेंगे तो हम भी सही रहेंगे और जो भी आएगा यहाँ उसका भला होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।